यार इतना सीरियस तरीके से ना देखो भाई, हम लोगों ने नया नया शुरू किया है तो यार थोड़ा आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोगों के लिए। यार इतना तो बनता है भाई लोगों, हमने कोई डिप्लोमा किया नहीं है यार ब्लॉगिंग का, यार बस भाई को सपोर्ट चाहिए बस। गुफा के अंदर आते ही आपको यहाँ से दर्शन करने को मिलेंगे। क्या लिखा है इसमें? कम से कम नहीं तो 400-500 साल का पुराना है। दोस्तों फिर से स्वागत है हमका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जा रहे हैं, सडनली प्लान बनाया था, हमारे दोस्त आ गए थे घूमने के लिए, तो वो बोले बरेली में हो तो आओ घूमने चलते हैं, तो अब चलते हैं घूमने के लिए। तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, सारा कुछ आपके लिए बताएंगे। हम लोग आ गए हैं, अभी कार में बैठ गए हैं, तो अब चलते हैं कहाँ के लिए। ये हमारे दोस्त हैं जोशी विवेक, ये कहाँ गया? तो बताओ कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं धोपेश्वरनाथ मंदिर, ठीक है भाई मिलते हैं हम। आज हम आपको दिखाएंगे धोपेश्वरनाथ मंदिर, हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको धोपेश्वरनाथ मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम सारी बताएंगे। दोस्तों आगे पीछे सारे लोग ट्रिप के लिए तैयार हो चुके हैं, गाड़ी खचाखच भरी हुई है। और भरे में दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको रास्ता। रास्ता थोड़ा सा ऊपर खावड़ है, इधर से आगे जाके रास्ता बरेली का सबसे पुराना मंदिर है ना, ये मंदिर बरेली का सबसे पुराना है, हम आपको बताएंगे। और ये रही हमारी गाड़ी, तो चलिए चलते हैं। ये आ गए हैं मंदिर, तो फाइनली गाइस हम यहाँ आ चुके हैं मंदिर पर। अभी आपको अंदर जाएंगे और प्रसाद लेंगे, जो भी अंदर जाएंगे तो आपको अभी दिखाएंगे। तो यहाँ का ये लोकेशन है, वो यहाँ से हम फाइनली आ चुके। दोस्तों हम आ चुके हैं धोपेश्वरनाथ जी के मंदिर, और ये देखिए ऐसा कुछ एंट्रेंस है, दिखाओ भाई। जय शिव शंभु, टीका लगा ले यार। चलो अंदर के लिए चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पार्शियलिटी होनी चाहिए, क्या बोलते उसको? महाराज जी हम यूट्यूब की तरफ से आए, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि ये मंदिर कितने साल पुराना है? कम से कम इसमें कैमरे में देख के बताओ, इसमें हाँ इसमें कम से कम नहीं तो 400-500 साल का पुराना है। अच्छा हाँ, तो मतलब इसको किसने बनवाया था इस मंदिर को, पता आपको कुछ आइडिया? पहले तो साहब कुछ नहीं था मंदिर का, इसमें खाली शिवालय, आप जाओ शिवालय वही मकई थी खाली। बाद में जो है वो बाबा जी रहते थे वो ख़त्म हो गए, उनकी जगह पर कमेटी बनी, कमेटी ने साहब अशोका फोम वालों ने जो है विष्णु देवी बनाई बनवाई और पंडित जी को बैठा वो ठाकुर द्वारा में, वो ठाकुर द्वारा बनवाया उनके लिए, क्योंकि वो पानी पंडित जी थे, उन्होंने कहा ठाकुर द्वारा का चलाया हम ले लेंगे, अलग बनाया गया। बाकी जो सब्जी गोसाई, तो इसमें पंडित जी मतलब जो लोग रहते भी होंगे वो सब लोग? नहीं अंदर कोई नहीं रहता, सब भारी रहते। अच्छा हाँ, पर मंदिर शाम को संभल करके चले। तो लगभग कितने से कितने बजे तक खुलता है ये मंदिर? ये मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाएगा। अच्छा हाँ, और शाम को 10 बजे आरती होकर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि ये मंदिर 500 साल पुराना है, और इस मंदिर में अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा अंदर का सीन क्या रहता है। तो अब अंदर के लिए चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे दर्शन करेंगे सीन। ये देखिए घंटे बहुत पुराने हैं, इतने बुलाया अब हो गया। अरे तो मोबाइल से खींच लीजिए। उठा गया नंदी बाबा, ये नंदी बाबा हैं, तो कुछ भी सो तो बताओ। हम तो बताएंगे वेश हाँ भाई, तो ना नंदी बाबा बोलते हैं भाई, पैर पैर पैर। तो ये नंदी बाबा हैं, जो भी आपकी विषय है इच्छा है वो यहाँ से आप बोल सकते हैं उनकी।
तो माना जाता है जैसा भी आप बोलोगे वैसा पॉसिबल हो सकता है। जब भी भगवान के द्वार पे आते हो तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी की कोई तो विश रहती है, तो आप आ रहे हो तो आप भी विश है तो वो यहाँ बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो इनके साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे के लिए, और इधर ये गेट है यहाँ से आप, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अंदर के लिए प्रसाद चढ़ा के आओगे, दर्शन करके आओगे, उसी के बाद ये गेट है, इसके बाद आपको ये तालाब मिलेगा, और अंदर जाने के लिए वो गुफा है, वो उस गुफे में अभी जाएंगे और उधर देखेंगे गुफा गुफा में अभी अंदर जाएंगे। गुफा देखी है इससे पहले? देखी तो। कब आए इससे पहले? बहुत पहले आए। कितनी बार आ चुके हैं बेटे? दो बार। भाई साहब दो बार आ चुके हैं, हम भी सेकंड टाइम आए हैं, लेकिन हमने घूमा नहीं था उस टाइम आए थे, आज आए हैं तो घूमने के लिए आए हैं तो घूमेंगे, और अभी गुफा के अंदर चलेंगे। तो गुफा में आपको दिखाएं कैसा सीन है, क्या है उसमें, इस लिखा है श्री वैष्णो माता का द्वार, गुफा के अंदर जाने का रास्ता, गुफा के अंदर जाने का रास्ता। तो सोई भाई चलोगे? उसमें क्या लिखा है? तो अब चलते हैं अगले के लिए, और अभी गुफा के अंदर जाएंगे। ये गुफा का चलते हैं अंदर के लिए। शेखर पकड़ना, मुझे यहाँ थोड़ी निकला, उधर निकला को शेर का मुंह बना। हम जा रहे हैं, बता रहे आपको बता कैसे रहा, तो हम जा रहे हैं आगे का, हम आपको पूरी फोटो हम जगह का फोटो ले लूंगा। बैठ जाओ, बैठ ना ना, खड़े हो गए सही है। सेल्फी ले ली, अब चलते हैं अंदर के लिए। ये गुफा है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो पानी वाला निकला यार, पानी भी इधर नीचे जाओ, पानी है ठंडा है गरम? ओह ठंडा पानी है थोड़ी दूर भाई, यहाँ से रास्ते में भी बहुत ठंड। जय श्री राम, हर हर महादेव, अरे इन्हें पता है भाई, भूल गए ये लोग। हर हर महादेव, कैसे हर हर शंभो, हर हर शंभो। अरे भैया आंटी आ रहा, वीडियो बना, वीडियो बना, टाइम आंटी आ रहा यार, कितने दिन आएंगे यार। चल कितना पानी है, जाने वाले बहुत पानी है यार, अरे बोलते भी चलो कुछ। यहाँ से आप जैसे गुफा के अंदर जाएंगे वहाँ पर आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और आरती भी ले सकते हैं। शिव शंकर जय। तो अंदर जाएंगे तभी आपके लिए गुफा के अंदर भी मिल जाएंगे और दर्शन कर सकते हो। ये एग्जिट है जो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भाई ये गुफा है तो यहाँ पर कुछ लोग भटक भी जाते हैं, जैसे हमारे साथ के थे। अबे कहाँ गए हो, मैं भूल गया क्या? ये लोग रास्ता भटक गए थे तो अभी तो फाइनल बाहर आ गए हैं। भाई अंदर गुफा के अंदर हो आए हैं और भाई रास्ता भटक नहीं है, मैं तो एक बार भटक गया था, नहीं है दृश्य था, मैं तो भटक गया था, एक बार गया था, गाइडर था वो भाई, पता नहीं काम किया था, मैं छोड़ दूँ अंदर। सो नहीं यार, बरेली में कहीं तो निकल ही जाता। पंडित जी ने प्रसाद दिया, प्रसाद खा लिया, पैर क्या पता तेरी ब्लॉगिंग में सुधार हो जाए, ठंडे पानी में ये मिश्री का प्रसाद खाने से क्या पता तेरी ब्लॉगिंग में सुधार हो जाए। वे आते हैं तो ये मूर्तियाँ आपके लिए मिलेंगी, और ये पेड़ है बरगद का, यहाँ पर आप आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं और प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं।
ये सेकंड गुफा है जो सबसे पुरानी है यहाँ की गुफा, और यहाँ के सारे गेट अभी बंद है। तो एक गेट खुला था, वहाँ पर हम अभी गए थे, और भाई बहुत ही नीचे बैठ बैठ कर गुफा के अंदर से आना पड़ा। इतना भी टाइल पत्थर है, बहुत ठंडा है, पानी भी चली थी अभी गुफा के अंदर गए तो पानी भी था और वो बहुत ही ठंडा था। ये यहाँ का सीन जो है, यहाँ अभी गए थे इस साइड पे, ये मिल जाएगा आपको उस साइड पे, आपको वो अभी नंदीनाथ के जो दर्शन किए थे वो है। अब चलते हैं, कुछ कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों ये था हमने जो सारा कुछ आपके लिए बताया है और दिखाया है, दर्शन भी कराए हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हो, बरेली में हो या बरेली में आप ट्रिप कर रहे हो, कभी घूमने के लिए आते हो, तो ये मंदिर है, काफ़ी पुराना है, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराएँगे। आप इधर देख सकते हैं साइड में खूफिया चैनल, ये है सदर बाजार का खूफिया चैनल। कौन सा? ये आया है मंदिर में, आज के मॉडल है ये। बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था भाई, आपके साथ क्या हुआ अभी आप बताइए। अचानक से आपका दिमाग कहाँ गया, घुटनों में? यार इतना सीरियस तरीके से ना देखो भाई, हम लोगों ने नया नया शुरू किया है, तो यार थोड़ा आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोगों के लिए। यार इतना तो बनता है भाई लोगों, हमने कोई डिप्लोमा किया नहीं है यार ब्लॉगिंग का, यार बस भाई को सपोर्ट चाहिए बस। फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई है और ये बैग था जो हमारे पास रख दिया है, इसके लिए संभालने के लिए हम ही फालतू हैं, तो हमें दे दिया गया है। और हम भी सोचते हैं एक दो फोटो क्लिक कराएं, भाई लोग स्टार्ट हो गए हैं फोटो क्लिक कराने के लिए। और राजकुमार ने काफ़ी यहाँ पर पूजा भी की, फ़ोटो भी क्लिक कराए, और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप भी आ सकते हैं। बरेली में ही है, कहाँ है ये? कैंट में। आइए यहाँ पर घूमिए, बाकी राजकुमार से पूछिए। बरेली का जो कैंट है वहाँ पर ये मंदिर आपको मिलेगा, धूपेश्वरनाथ मंदिर मिलेगा, काफ़ी पुराना, बहुत ही अच्छा स्थान है देखने के लिए और घूमने के लिए। जोशी भाई कैसा लगा? ठंडी गुफा में गए थे, गुफा कैसी लगी? अरे गुफा में तो बहुत ठंडा पानी था। दोस्तों फोटोशूट हो चुका है और फोटो जितने भी थे सारे क्लिक कर लिए हैं, सबने सबके कपड़े बदल बदल के फोटो लिए हैं जिससे कि पता ना चले भाई, सबने एक दूसरे के कपड़े चेंज करे फिर फोटो क्लिक किए और अब अपलोड होंगे इंस्टा फेसबुक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को, हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना रहा है दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए जिससे कि और ज़्यादा कंटेंट बनते रहें। इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।